subscribe to my channel, and hit the bell icon so you never miss any. Hello student, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2019 के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के विषय में जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि कई बार छात्रों ने मांग किया था कि सर कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के विषय में जानकारी दीजिए जो बोर्ड परीक्षा 2019 की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों को अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं। तो ये पहला चैप्टर है पौधों में जनन या जीवों में जनन, इससे संबंधित प्रश्न है कायिक जनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का विस्तृत विवरण दीजिए। तो इससे संबंधित ये अनेकों तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं प्रश्नों का मैं आंसर अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे आप अवश्य तैयार कर लें। ये है पौधों में कायिक जनन। पौधों में कायिक जनन के प्रश्न का ये आप देख रहे हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है, इसमें यह भूमिगत तना है, भूमिगत तने का विभिन्न प्रकार का रूपांतरण आप देख रहे हैं, कंद है, प्रकंद है, और ये इनके डायग्राम्स हैं, कंद प्रकंद धनकंद इन सबके। यह धनकंद है, शल्क कंद है, इसके पश्चात अर्धवायवी तना है, इसका रूपांतरण है ऊपरी भूअस्तारी, दूसरा भूअस्तारी, तीसरा भूअस्तारिका और चौथा अंत भूअस्तारी, और इनके ये डायग्राम्स हैं सभी विभिन्न प्रकार के तने के रूपांतरणों के चित्र दिए गए हैं, अर्धवायवीय तने हैं ये सभी। यह तीसरा है मूल, ये जड़ का रूपांतरण आप देख रहे हैं, कायिक प्रवर्धन। जड़ के बाद ये पत्ती का है, पत्ती में आप देख रहे हैं बायोफिल्म, केलेंचो, ये पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया को आप देख रहे हैं, बुलबिल्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया आप देख रहे हैं। तो बुलबिल्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया किन पौधों में होती है, किस प्रकार होता है, यह इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। यह द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, एक मेल गैमेट अंडकोशिका सिनगैमी की क्रिया के द्वारा निषेचित होकर के जायगोट बनाते हैं, जायगोट का परिवर्धन भ्रूण में हो जाता है, इसके पश्चात भ्रूण के विकास की अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाएं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में एक समान होती हैं, बाद में भिन्न भिन्न हो जाती हैं, जिसको आप देख रहे हैं ये चित्र के माध्यम से। यह सचित्र वर्णन आप देख रहे हैं, इस प्रश्न का यह सचित्र वर्णन है, द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण के विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, किस प्रकार द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की क्रिया होती है, ये प्रश्न तीसरा है, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की अवस्थाएं। ये अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, या आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण पोषों का वर्णन कीजिए, या भ्रूण पोष पर टिप्पणी लिखिए। आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि अनेकों बार ये बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इस प्रकार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2019 की बोर्ड परीक्षा के लिए। इंडोस्पर्म और इंडोस्पर्म के प्रकार, इसको आप देख रहे हैं तीन प्रकार के इंडोस्पर्म होते हैं, केंद्रकीय भ्रूण पोष, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, यह पहला होता है, यह न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के विकास का ये चित्र आप देख रहे हैं। दूसरा है कोशिकीय भ्रूण पोष, सेलुलर इंडोस्पर्म है, यह सेलुलर इंडोस्पर्म के विकास का नामांकित चित्र है, किस प्रकार से कोशिकीय भ्रूण पोष का निर्माण होता है आप देख रहे हैं। तीसरा है हेलोबियल इंडोस्पर्म, यह केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूण पोषों को एक साथ प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको हेलोबियल इंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का भी वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न का आप उत्तर देख रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण, कौन कौन से उपाय हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार, बच्चों की संख्या का निर्धारण, विवाह योग्य आयु में वृद्धि, गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना, समन्वित ग्रामीण विकास एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में तालमेल, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि एवं सुधार, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जाए। तो ये पॉइंट्स हैं जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसके पश्चात है परिवार नियोजन की विधियां, गर्भ निरोधक औषधियां, इसमें वंध्यकरण या नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया पुरुषों में और स्त्रियों में, वासेक्टोमी और साल्वेंचेक्टोमी के द्वारा, कंडोम का प्रयोग, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग, अंतःगर्भाशयी यंत्र, बाधा विधियां, ये कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके द्वारा परिवार नियोजन किया जा सकता है। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनन और स्वास्थ्य चैप्टर से। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए, मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मेंडल के द्वारा प्रतिपादित तीनों नियमों, जिसमें पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उदाहरण दिया गया है, मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे में क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। दूसरा है कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें प्रथम पीढ़ी में प्राप्त लक्षण का पुनः द्वितीय पीढ़ी में क्रॉस एक जनक का लक्षण प्रभावी होता है। इसमें उदाहरण दिया गया है, मटर के पुष्प का लाल और सफेद पुष्पों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में संकर लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इनका आपस में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में 25% शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे, 50% संकर लाल पुष्प वाले पौधे और 25% शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इनका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 प्राप्त होता है, जिसे आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। यह है मेंडल के पृथक्करण का नियम। यह तीसरा नियम है स्टूडेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। इसे द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है। उदाहरण के तौर पर गोल और पीले बीज वाले पौधों का झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के साथ संकरण कर प्रथम पीढ़ी में संकर गोल पीले पौधे ही प्राप्त होते हैं, किंतु इनका आपस में स्वपरागण करा देने पर द्वितीय पीढ़ी में ये 9:3:1 के रेशियो में उत्पन्न होते हैं, अर्थात गोल पीले 9, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे ये 1 प्राप्त होता है। यह मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसमें 9:3:1
3:3:1 का रेशियो मिलता है। यह स्टूडेंट मेंडल के द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के प्रमुख तीन नियम, ये जो इम्पोर्टेंट हैं, ये आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से। तो ये प्रश्न है, अगले सेट में, अगले वीडियो के अंतर्गत मैं अन्य और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो दीर्घ उत्तरी हैं सम्मिलित करूंगा। धन्यवाद।